जय सत्यम सुंदरम में जय गुरुदेव। तो एक क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में, मैं सोच रहा था, मैं ध्यान करता रहता हूँ तो थॉट्स आते रहते हैं, तो दिमाग में आया कि यार किसी चीज़ को क्या फॉलो करना गलत है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम अक्सर सेलिब्रिटी होते हैं उनको फॉलो करते हैं, कोई बहुत अच्छा लिखता है हम उसको फॉलो करते हैं, कोई बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीकर है हम उसकी बात पकड़ के बैठ जाते हैं उनको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे गुरुज हैं हम उनको फॉलो करते हैं। तो बात आती है कि क्या फॉलो करना गलत है। चलो हम अगर फॉलो करते हैं तो किसी एक बहुत अच्छी शख्सियत को फॉलो करते हैं, लेकिन हम तो वहीं के वहीं रहते हैं, हम में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, तो क्या फॉलो करना गलत है, क्या गलत है तो कितना गलत है, नहीं है तो कितना गलत, तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, हम फॉलो शब्द समझते किसको हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं रिजल्ट को देखूँ फॉलो के, तो हम जो 95% लोग मैं कह सकता हूँ हम समझते हैं फॉलो वर्ड को, कि हम किसी भी सेलिब्रिटी को, यहाँ पर हम सेलिब्रिटी एग्जांपल लेते हैं क्योंकि यूथ हमारा ज़्यादातर वहीं फंसा रहता है, या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर, दो चीज़ होती है। तो हम फॉलो कहते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे हम सब्सक्राइब कर लेंगे उनको, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, फेसबुक पे तो फॉलो कर लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्विटर पे तो फॉलो कर लेंगे, हम उनको फॉलो करके बैठते हैं, हम उनकी जो भी पोस्ट आती है उसको देखते हैं और लाइक करके छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यूट्यूब पे किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखी, हम उनकी वीडियो देखेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, वो बताएंगे कि देखो हम सैड रहते हैं, इसी तरह की बात चलती है कि हैप्पीनेस कैसे लाएं, ये कैसे लाएं, वो कैसे लाएं, उनकी बात क्योंकि हमको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक पीछे चल रहा होता है म्यूज़िक, एक छोटा हल्का हल्का सा चल रहा होता है म्यूज़िक पीछे, एक उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं, उनके पास बहुत सारी पब्लिक होती है, और क्योंकि वो बात वो कह रहे होते हैं, वो आपकी कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम 10 मिनट या 15 मिनट जो भी वीडियो है हम उसमें एक तरह से खो जाते हैं। और वीडियो देखी, हम फिर अपने दुनिया वापस आए, क्योंकि अभी हम मोबाइल की दुनिया में थे, फिर हम अपनी दुनिया वापस आए, फिर हमारी दिनचर्या वैसे चलती है, फिर वही हम एक निराश सा होना, वही चीज़ होना, फिर हम दोबारा वीडियो में आते हैं। तो फॉलो करने का मतलब जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर वास्तव में फॉलो का मतलब फॉलो होता तो हम एक डिप्रेस से ना बैठे होते, हम कहीं ना कहीं एक वो नहीं करते कि मेरे को तो एक लविश लाइफ चाहिए, और मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए, उसके बिना मेरी खुशी नहीं है। तो फॉलो का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि हम फॉलो करके बैठ जाते हैं, उनके कोई पोस्ट हमने लाइक कर दी, देखो इन्हें अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, देखो क्या बॉडी है, देखो क्या फिजिक है, देखो क्या बियर्ड है, इस तरीके से। अगर कोई एक्ट्रेस है, देखो भाई कितनी खूबसूरत लग रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। असल में फॉलो क्या है और क्या फॉलो गलत है सही है? असल में अगर मैं फॉलो मानूं, तो पहले तो अगर मैं ये वाला फॉलो मानूं जो मैंने डिस्क्राइब करा, ये फॉलो गलत है, इस तरह का फॉलो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, हम अपने आप को डेवलप कर ही नहीं रहे, हम अपने आप को जान ही नहीं रहे। जो हमारे वेदों का सीधा मैसेज है, जो मेरे गुरुजी का पूरा मिशन है कि खुद को जानो, वो तो हम कर ही नहीं रहे, हम अपने आप को जान रहे हैं, हम औरों में घुसे हुए हैं। अगर उस सेलिब्रिटी के साथ बहुत बुरा हुआ तो मेरे को बुरा लगेगा, अगर उस सेलिब्रिटी ने मेरे को अच्छा डांस करके दिखा दिया तो मेरे को अच्छा लगेगा, अगर उस मोटिवेशनल स्पीकर एक्स वाई सेड जो भी है, अगर वो खुश तो मैं खुश, मैं अगर वो दुखी तो मैं दुखी, मेरा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ पूरी उस पर डिपेंडेंट है। तो ये वाला जो फॉलो होता है, ये हमको डिपेंडेंट बनाता है, हमको ये किसी पर लदना सिखाता है। इसीलिए होता है कि लाइफ में जो भी हमारे हार्डेस्ट से हार्डेस्ट डिसीजन आते हैं, हम उनको ढंग से ले नहीं पाते, क्योंकि हमारी आदत ही इस तरीके से फॉलो करने की है। आप अगर, चलो मैं बात करता हूँ स्पिरिचुअलिटी की, अगर हम किसी भगवान की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किसी भगवान की पूजा करते हैं, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आपकी उन भगवान में मान्यता है तो लोग चिड़के बैठ जाते हैं, बताओ हमारे भगवान को ऐसे कह दिया। तो मान लीजिए एक भगवान है, हम क्या करते हैं कि हम उनके सामने पूजा करते हैं, उनसे एक तरीके से हम मांगते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे पेपर है मेरे को संभाल के रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरी नौकरी का ख्याल रखना। हम क्या, हम उनकी लाइफ से कुछ नहीं सीख रहे कि वो क्या मैसेज देख के गए हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध, वो कह के चले गए भाई खुद को जानो, मूर्ति पूजा मत करो, और अगर आप देखोगे तो 90% लोग उनकी मूर्ति के पीछे लगे पड़े हैं। तो हम क्या है, हम ये वाले फॉलोअर हैं, हम ना उनको पर्सनैलिटी को जानते, हम कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी पर एक धब्बा है, हम कहीं ना कहीं खुद को नहीं जानते और एक कचरा फैला दिया है हमने। तो ये वाला फॉलो तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा आता है कि क्या फॉलो करना गलत है क्या सही है। देखिए फॉलो करना गलत या सही है, मेरे हिसाब से तो फॉलो नहीं होना चाहिए, फॉलो नहीं होना चाहिए। फॉलो अगर होना चाहिए तो जो मेरे हिसाब से फॉलो का मतलब है वो ये होता है कि आपको कोई भी पर्सनैलिटी पसंद है, पहले आप देखो क्या उसकी पर्सनैलिटी के जीवन में वो चीज़ हुई है जो वो आपको बता रहा है। ठीक है भाई, आप नहीं पता लगा सकते, तो जो वो बात बता रहा है क्या मैंने उसमें से कुछ सीखा। अगर आप फॉलोअर हो तो आपको ये वाला होना चाहिए कि क्या मैंने उसी में सीखा। जैसे मैं अपने गुरुजी के यहाँ हूँ, उनका मेन है ध्यान, खुद को जानो, अपने आप को डेवलप करो, औरों को डेवलप करो, दान करो, जप करो, पुण्य कर्म करो।
तो एक होता है कि मैं अपने गुरु से इम्प्रेस होकर बैठ जाऊँ और उनकी बात सुनता रहा हूँ, देखो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वो बिल्कुल गलत है। दूसरा होता है मैं उनके ज्ञान को लूँ, अपने जीवन में उतारूँ और खुद को डेवलप करूँ। तो फॉलो अगर आप हो तो आपके मेरे हिसाब से फॉलो का मतलब ये होता है। फॉलो का मतलब ये नहीं आप जहाँ वो जा रहा है आप चल पड़े, जहाँ वो जा रहा है ये चल पड़े, ये पता नहीं ये हमने क्या बना रखा है। और यही है कि हमारा जो यूथ है वो यहीं का यहीं अटक कर रहता है, वही अपना 25 से उम्र के बाद शादी करके बैठ जाएगा, वहीं अपनी वही घिसी पिटी लाइफ में लग जाएगा, फिर भगवान को कोसता है कि भगवान ये तूने मेरे साथ क्या किया, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिर एक्स वाई जेड प्रॉब्लम। अभी आपके बात समझ में नहीं आती होगी, आपका विज़न बहुत बड़ा नहीं है, आपको लगता है कि पता नहीं, लेकिन जब आप उस लाइफ में आएंगे तब आपको पता लगेगा। विज़न बड़ा नहीं हो कि आप ध्यान नहीं करते, जब ध्यान नहीं करते एक एनर्जी अंदर पैदा नहीं होती, जब एनर्जी वो अंदर पैदा नहीं होती तो आपको विज़न बहुत बड़ा नहीं हो पाता, ना ही आपको वो चीज़ ध्यान में दिखती, ना ही आपको वो चीज़ सपनों में दिखती। तो फॉलो का मतलब ये होता है केवल और केवल भाई जो भी आप पर्सनैलिटी है, फॉर एग्जांपल आप किसी एक्टर को देखते हैं, मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ऋतिक रोशन को देखते हैं आप, तो ऋतिक रोशन क्या फिजिक देखोगे, बहुत अच्छी फिजिक है, ऋतिक रोशन का डांस बहुत अच्छा है, हम क्या उसको उनके उनके डांस को देखते हैं या फिर उसकी बॉडी की पोजिंग को देख के हम बहुत खुश होते हैं, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, अपने आप को ये नहीं कि अपने आप ही एक्सेल करने शुरू कर दें। अब रीज़न आएंगे सामने से कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं जिम नहीं जा सकता, मेरे तो ये मेरे तो वो, भाई रीज़न ही देते रहो। ठीक है भाई आपके पास जिम जाने के पैसे नहीं है, आप घर पे क्या दंड बेल्ट नहीं लगा सकते हैं, अगर पप्सी योग है जो आप अपने शरीर को यूज़ करके अपने शरीर को डेवलप कर सकते हैं वो नहीं कर सकते क्या? घर में बाल्टियाँ होती हैं, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, जब मेरे को बहुत शौक था जिम, अब भी है मैं अब भी करता हूँ, तो अब तो खैर मुकदर अवेलेबल है मेरे पास, तो पहले मैं करता था कि भरी हुई बाल्टी में जो पानी भरी बाल्टी होती है उसी को उठाया और ऐसे करने शुरू करा, तो उसी से बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो गई, उसमें पानी कम करा, शोल्डर की एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो सब हो जाती हैं, करना आप पे, जब आपकी बुद्धि इस प्रकार की होती है कि मेरे को कुछ करना है तो रास्ते अपने आप बनने शुरू आते हैं अपने आप। भाई आपको दंड बैठक करनी है, मेरे को बड़ा मन था, होता कहता है मैंने बहुत पहले जब मैं गुरु से नहीं जुड़ा था तब मैं उस टाइम जिम करता था, अब जिम कभी गया, फिर अपना दिल चला गया पढ़ाई से, फिर आया, मतलब उस टाइम जिम 2 महीने का हुआ, फिर 6 महीने छूट गया, बॉडी वहीं सूख के आ गई, मेरा दिमाग ऐसा हो रहा था यार बताओ मैं अपना अच्छी खासी बॉडी को डेवलप करता हूँ वहीं गिर जाता हूँ बाद में आके, तो क्योंकि मेरे मन में वो था, एक वो था कि भाई मेरे को डेवलप होना है, मेरे को अपनी फिजिक अच्छी सी बनानी है और मैं हूँ उसी के पीछे, तो रास्ते अपने आप निकलते गए, मेरे को पप्सी योग मिला, मेरे को गुरुजी मिले और मैं करते करते अपना हो गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम ऋतिक रोशन से ये नहीं सीखेंगे कि भाई अपनी फिजिक को डेवलप करो, हम ये नहीं सीखेंगे कि भाई डांस अच्छा आता है तो डांस को अपने अच्छे बनाओ, हम क्या सीखेंगे भाई वाह क्या बॉडी आ गई, क्या सिक्स पैक दिखा दी, वाह फोटो लाइक कर दी, आगे बढ़ाओ। अब कौन आते हैं, अब ये वाले एक्टर आते हैं, इनकी फोटो लाइक करी आगे बढ़ाओ, नतीजा क्या होता है, आप खुद डेवलप नहीं हो पाते, फिर ब्लेम मारते हो औरों पर कि मैं इसकी वजह से नहीं हो पाया, मैं इसकी वजह से नहीं हो पाया, और मेरे को तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, मेरा तो मुकद्दर ख़राब है, एक्स वाई जेड। तो भाई फॉलो का मतलब है सीधा सीधा आप जिस पर्सनैलिटी से भी हो, क्योंकि किसी ना किसी पर्सनैलिटी से कोई ना कोई इंप्रेस होता है, सबसे बड़ी पर्सनैलिटी जो आती है वो आती है हमारी पर्सनैलिटी नहीं कहता मैं गुरु कहता हूँ, पर्सनैलिटी से बहुत छोटा शब्द हो गया, वो आते हैं हमारे गुरुज़। तो जो भी आपके आध्यात्मिक कुंडली जागृत गुरु हैं, एक्स वाई जेड गुरु नहीं जो केवल लेक्चर करते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं, वो वाले गुरु नहीं, वो वाले गुरु जो आपको डेवलप करते हैं, जिनके पास एक ध्यान विधि है, एक सच्चा मंत्र है, आप उनसे सीखें और डेवलप हों, क्योंकि जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष होता है वो 16 कला हो, एक्स वाई जेड पेंटिंग डांसिंग अपना एक्टिंग स्पीकिंग सब में वो होता है, 16 कलाएं इसमें आती है, तो आप उनसे सीखें, चुपक के ना बैठें। यही हमने अपना आध्यात्म कर दिया है, सब कह रहे हैं कि भाई खुद को जानो खुद को जानो खुद को जानो, हुआ क्या है बीच में सब ने अपना बना दिया इसको एक पैसे कमाने का धंधा, जब पैसे कमाने का धंधा बना दिया तो हमारा धर्म जो है वो बहुत ही बिगड़ गया, हमने क्या करा हमने भगवान की मूर्ति आकर रख दी, हम उसी के सामने अपना करते जा रहे हैं, और फिर हम क्योंकि चीज़ों को सीखते नहीं हैं, तो जब हमसे कोई सामने वाला कहता है कि भाई ने तो मेरे भगवान को बता दिया, ये तो कह रहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, भगवान को अपना मूर्ति से बाहर निकालो अपना ध्यान करो, तो हमारी भावना को ठेस पहुँचती है, क्यों? ये वो लोग होते हैं जो खुद कभी सीखना नहीं चाहते और अपनी बुद्धि नहीं लड़ाना चाहते, वो केवल केवल वो लोग होते हैं जो अपना हर काम छोड़ देते हैं कि अरे आने वाले टाइम में देखूँगा मैं, तो जो होगा होगा, अभी मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, जब होगा तब देखूँगा, कोई प्लानिंग नहीं होती, और ऐसा आदमी हमेशा दुखी रहता है, कभी सुख नहीं होता, पल भर के लिए सुख हुआ, कई पल के लिए दुख हुआ। तो आप समझ गए होंगे मेरा फॉलो से मतलब क्या था, जिसको भी आप करते हैं उनसे कुछ सीखें, डेवलप हों और अपने आप को उनसे आगे लेके जाएं, वो मेंटलिटी होनी चाहिए आपकी, अटके मत रहो वहाँ पे, कुछ करो भाई कुछ करो, ये टाइम है, ये वाला टाइम है, फिर आपकी
अपना आप गृहस्थी में आ जाओगे तो कहीं ना कहीं टाइम वो लिमिटेड होता है। लेकिन जब अब अपने आप को डेवलप कर गए अभी 18 से 25 साल के बीच में, जिसने अपने आप को डेवलप कर लिया वो एक तरह से अपना रास्ता खोल देगा आगे के लिए। जिसने बाद में शुरुआत करी वो फिर नहीं कर पाता। आप अपने पेरेंट्स को देखो, आपने कई लोग भी देखे होंगे, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं, मतलब कहते होंगे, जरूरी नहीं कहते हो, लेकिन आसपास कोई ना कोई कहता होगा कि भाई हम अगर उस टाइम कुछ कर लेते तो हमें आज इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो प्लीज़ आप सीखें, अपने आप को डेवलप करें। डेवलपमेंट का सबसे पहला सूत्र अपने अंदर एक एनर्जी पैदा करें। एनर्जी पैदा होती है जब से, जो मेरे एक्सपीरियंस रहे मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ, और होती है उससे जब से, फिर उस एनर्जी का जो विस्तार होता है, जो मैक्सिमम आपका डेवलपमेंट होता है वो होता है ध्यान से। तो जब करें, ध्यान करें, रही क्रिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट करिएगा। जय सत्यम सिद्धायनामे, जय गुरुदेव।